खुदा कहता है कि मत सोच इतना अपनी जिंदगी के बारे में। खुदा कहता है कि मत सोच इतना अपनी जिंदगी के बारे में। मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ बेहतर लिखा होगा तेरे बारे में। तो दोस्तों, कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में ये सोचते रह जाते हैं कि हम कुछ भी करते हैं हमेशा असफलता मिलती है, दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है। क्या ये सब कुछ हमारे कर्म है, हमारी वजह से हो रहा है, या हमें क्या करना चाहिए? और जब हम बिल्कुल परेशान हो जाएं तो उस परिस्थिति में क्या हमें अपना विश्वास अपने ईश्वर के प्रति खो देना चाहिए या नहीं? ये कहानी उस बात को बताती है, और निश्चित रूप से इस कहानी को सुनने के बाद जो आपका हृदय है वो पूर्ण रूप से विश्वास से भर जाएगा। तो कहते हैं कि एक बार एक मुसाफिर रास्ते में चलता हुआ रास्ता भटक जाता, और वो रास्ता कहाँ भटकता है, एक रेगिस्तान में। रेगिस्तान में उसका जो पानी होता है वो भी ख़त्म हो जाता, वो बिल्कुल प्यासा रह जाता, वो बिल्कुल परेशान। अब एक पल के लिए वो ठहरता है और अपने ईश्वर को याद करता, और अब ये सोचता है कि अब जल्दी ही मेरी मौत इसी रेगिस्तान में बिना पानी के भटकते हुए हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी प्रार्थना के बाद अपनी आँखें खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि थोड़ी ही दूर पे कोई झोपड़ी दिखती है। वो हैरान रह जाता है, उसे विश्वास नहीं होता, उसे लगता है वो कोई सपना देख रहा है। लेकिन फिर भी वो सपने की ओर भागता आगे की ओर जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है वो देखता है कि ये सपना नहीं है, ये वास्तव में वहां एक झोपड़ी थी। वो जाके झोपड़ी का दरवाजा खोलता है तो हैरान रह जाता है, ऐसा लगता है कि इस झोपड़ी को अभी अभी किसी ने खाली किया या कुछ दिन पहले यहाँ लोग रहते थे। वो जैसे ही और अंदर बढ़ता है हैरानी से देखता है कि उस झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप था और वहाँ पे एक बाल्टी भी रखी थी। वो हैरानी से, बिल्कुल उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी आंखों का धोखा है या सच है, वो दौड़ते उस हैंडपंप को चलाता है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उस हैंडपंप से एक बूंद भी पानी नहीं टपकता है। अब वो हैरान होकर चारों ओर झोपड़ी में अपनी नजरें घुमाता है और देखता है कि वहां पे एक पानी की बोतल भरी हुई होती है, और वो बिल्कुल दौड़ते हुए जाता है, उस बोतल को उठाता है और तुरंत उस पानी को पीने वाला होता है कि वो देखता है कि वहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा होता है। वो उस कागज के टुकड़े को उठाता है और खोलता है और उसमें लिखा होता है कि इस पानी को इस हैंडपंप में डाल दो और उसके बाद तुम हैंडपंप को चलाओ तो ये जो पानी है बहुत सारा पानी तुम्हारे लिए निकलेगा, और फिर से इस बोतल को भर देना और इसी चिट के ऊपर फिर से रख देना। अब इस बात को पढ़कर वो इंसान हैरानी में रह जाता है। वो सोचता है कि यही एक पानी की बोतल है जो मेरी ज़िंदगी को बचा सकती है। यदि मैं अभी इस पानी को पी गया तो मेरी ज़िंदगी बच जाएगी। लेकिन जो भी व्यक्ति इस रेगिस्तान में भटकता रहेगा उसको फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात की भी सच्चाई नहीं है कि यदि मैंने इस पानी को इस हैंडपंप में डाल दिया तो क्या ये चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हो और बिल्कुल सूख गया और ये पानी की जो आखिरी बोतल है ये भी ख़त्म हो जाए। वो बहुत देर तक सोचता रहा और फिर उसने प्रार्थना के लिए अपनी आँखें बंद की और ईश्वर के प्रति विश्वास से आँखें बंद करके उसने कहा कि ईश्वर, जब मैंने ये पूरी तरह से सोच लिया था कि मेरे जीवन का अंत होने वाला है तो तुमने ही मुझे ये रास्ता दिखाया मैं यहाँ तक आऊँ। हो सकता है कि इसमें भी मेरी कुछ भलाई छुपी हो। और वो ऐसा सोच कर उस पानी को उस हैंडपंप में डाल देता है और उसके बाद फिर से प्रयास करता है हैंडपंप को चलाने का। और जैसे ही वो दोबारा उसे चलाता है उसमें बहुत सारा पानी निकलता है और वो अपनी प्यास तो बुझाता ही बुझाता उस बोतल को फिर से भर के रखता है। और उसके बाद वो देखता है कि वहाँ पे एक छोटा सा नक्शा बना होता है जो ये बता रहा होता है कि गांव वहाँ से बहुत दूर है और ये जो झोपड़ी थी ये बीच रेगिस्तान के बीच थी। लेकिन अब उसे ये पता चल गया था कि गाँव जाने की दिशा कौन सी है। अब वो व्यक्ति हैरानी से भर जाता है। अब वो व्यक्ति उस कागज के टुकड़े को फिर से उठाता है और उस लिखे हुए वाक्य के नीचे एक शब्द और जोड़ता है कि विश्वास करो, ये जरूर काम करेगा। तो दोस्तों, जब हम विश्वास करते हैं ना अपने प्रभु पे, अपने ईश्वर पे, अपनी आत्मा पे, सच्चाई पे, तो वो हमें सबसे सच्चा रास्ता दिखाती है। जब हम बार बार दुविधा में ये सही वो सही और अपने दिमाग का वहां प्रयोग करने लगते हैं ना आवश्यकता से अधिक,
तब वहाँ पे हम बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। और कहते भी हैं ना कि यदि आपको दो रास्ते मिले जिसमें आपके लिए ज्ञान हो और जिसके में आपके लिए हृदय हो, मतलब परोपकार की भावना हो, तो आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। वास्तव में ज्ञान से भी बड़ा है परोपकार। यदि आप दूसरों के लिए कुछ कर सके तो वही रास्ता जीवन का सबसे बड़ा रास्ता होता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।